रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। गिर्द विकास युवा मंडल ने किया स्वर्गीय गंधर्व सिंह चौहान की स्मृति में कोरोना योद्धाओं का सम्मान। स्वर्गीय श्री गंधर्व सिंह चौहान जी दादा भाई की स्मृति में जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी के सभागार में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजेंद्र सिंह रावत पूर्व जनपद अध्यक्ष डॉक्टर आर आर माथुर बीएमओ नरवर, संतोष शर्मा पत्रकार व समाजसेवी, नरोत्तम शर्मा समाजसेवी नरवर का एवं युवा मंडल के सक्रिय सदस्यों कोरोना योद्धाओं का सम्मान शॉल श्रीफल प्रमाण पत्र भेंट कर किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन मंडल के सक्रिय कार्यकर्ता श्री गजेंद्र रावत व आभार प्रदर्शन मंडल के संरक्षक गजेंद्र सिंह चौहान जनपद पंचायत नरवर ने किया। इस कार्यक्रम में मंडल के सभी साथियों द्वारा सहयोग कर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस अवसर पर पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि स्वर्गीय श्री गंधर्व सिंह चौहान जी ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत रहते हुए कई लोगों की मदद की। इसी प्रकार हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर इस कोरोना काल में दूसरों की मदद करना चाहिए। डॉक्टर आर आर माथुर द्वारा इस अवसर पर कोरोना से बचाव हेतु सभी को वैक्सीन लगवाने की सलाह दी व मंडल के इस कार्यक्रम को प्रशंसनीय बताया। श्री संतोष शर्मा जी द्वारा अपने उद्बोधन में मंडल के इस कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि गिर्द विकास युवा मंडल प्रदेश में सबसे अच्छा कार्य करने वाला संगठन है। कोरोना काल में इस मंडल द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। इस अवसर पर मंडल के कार्यकर्ताओं का भी सम्मान शॉल उड़ाकर श्रीफल भेंट कर किया गया। ऐसे युवा कार्यकर्ता अगर हमारे हर तहसील स्तर पर और ग्राम स्तर पर होंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोरोना जैसी बीमारियों से भयभीत होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार का कार्य गिर्द विकास युवा मंडल ग्राम सिमरिया टांका के माध्यम से चल रहा है, पूरे क्षेत्र में उन्होंने जो काम किए हैं वैक्सीनेशन के विषय में जागरूक करके, मास्क वितरण करके, पर्यावरण को, और इन्होंने जो सराहनीय कार्य किया है वो वास्तव में बहुत ही अनुकरणीय है। और मैं उनको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो उन्होंने कोरोना जैसे काल में अपनी जान को जोखिम में डाल करके ये कार्य किया है। और कोरोना बचाव के लिए सभी लोगों से मैं अपना एक बार आग्रह करता हूं, इस कोरोना से लहर में हम बहुत कुछ खो चुके हैं, बहुत अपना को खो चुके हैं। तो प्रिय मित्रों, ये तीसरी लहर आने से पहले हम जागरूक हो जाएं और इसको आने न दें। इसको हम अपने नगर, गांव, ग्राम, मोहल्ला और घर में प्रवेश न करने दें। हम ऐसा प्रतिबद्ध रहें और जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक करें। और मैं इस युवा मंडल का पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इनके कार्यक्रमों को आप वास्तव में प्रदेश स्तर पर जो दिखाते हैं, इससे लोगों को बहुत अच्छी सीख मिलेगी। और आयोजक हमारे गजेंद्र सिंह चौहान जी को भी बहुत